हेलो गाइस, तो बात करते हैं यूनिटेक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसकी अभी करंट प्राइस चल रही है 8.69 रुपये। देन स्टॉक की अगर हम आज की बात करते हैं तो 4.99% के आसपास स्टॉक में अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है। एंड अगर हम 5 दिन की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 21% के आसपास स्टॉक ने रिटर्न निकाल के दिए हैं। देन अगर हम बात करते हैं 1 मंथ की, तो 1 मंथ में भी स्टॉक ने 13% का रिटर्न निकाल के दिया। 6 मंथ की बात करते हैं तो 6 मंथ में करीब स्टॉक ने 534% के आसपास काफ़ी भारी भर्तन जो है बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिया। अगर हम इसकी 5 ईयर्स की चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो 320% के आसपास ही रिटर्न निकाल के दिया। अगर हम इसकी बात करते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो 805% के आसपास स्टॉक ने रिटर्न निकाल के दिया। एक टाइम की अगर हम इधर बात करते हैं तो करीब स्टॉक ने एक देख सकते हो 152,359% के आसपास रिटर्न निकाल के दिया था। ठीक है, उस टाइम पे इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड अब देख सकते हो करीब 600 रुपये प्लस इसकी जो प्राइस थी उस टाइम पे, 1,00,000 अब देख सकते हो 57,300% के आसपास रिटर्न निकाल के दिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके बाद इसकी 100% गिरावट भी देखने को मिली है, जैसे कि आप देख सकते हो 99.70% पूरी तरह से स्टॉक टूट चुका था। ठीक है, अभी के टाइम पे स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है, वो कि अच्छी बात है। हालांकि जिस लेवल पे यहाँ पे एक टाइम पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे भी उसी लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ से अगर तेज़ी देखने को मिली, ये लेवल मैं नहीं कहूँगा कि 600 रुपये का लेवल फिर से दिखाएगा, पर अगर स्टॉक 100 रुपये जाता तब भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बाकी इसके एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो पावर ट्रांसमिशन से जो है स्टॉक लिस्टेड है, यानी कि पावर सेक्टर का जो स्टॉक है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 2,211 करोड़ के स्टॉक का मार्केट कैप है। स्टॉक की बावनवीं खाई की बात करते हैं तो 10.20 रुपये है। बावनवीं लो की बात करते हैं तो 1.10 रुपये। स्टॉक की पी यहाँ पे कुछ भी सोनी हो रही, बुक वैल्यू माइनस में, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। आरओसी की बात करते हैं तो 0.71% है। फेस वैल्यू स्टॉक की 2 रुपये देखने को मिल जाती है। लास्ट ईयर का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। एंड आगे अगर हम बात करते हैं तो कंपनी यहाँ पे 8 नंबर पर देखने को मिल जाती है। देन अगर हम आगे बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की, जिसमें सेल्स कंपनी के कम हुए हैं। ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा माइनस में देखने को मिल जाता है। एंड आगे बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की ईयर बाय ईयर बेसिस, जिसमें कि सेल्स कंपनी के यहाँ पे कम हुए हैं। ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी इसका माइनस में देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सीएजीआर रिटर्न, रिटर्न ऑन इक्विटी, हालांकि सीएजीआर रिटर्न ठीक ठाक है, बाकी सब कुछ इसका माइनस में देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो रिजर्व कंपनी का माइनस में, कर्जा बहुत ज़्यादा कंपनी के ऊपर है, एंड टोटल एसेट कंपनी के यहाँ पे आप देख सकते हो कम हुए हैं। यानी बात करते हैं नेट कैश फ्लो की तो प्लस में देखने को मिल रहा है। एंड आगे अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डर पैटर्न की, तो प्रमोटर्स की ओनली 5% की होल्डिंग है। एफआईआई की बात कर 0.65%, डीआईआई इसमें 0.91%, बाकी इसमें 93.30% पूरा इसमें पब्लिक जो है इन्वेस्टर है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए इसे बाई करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दूर रहिएगा, बाकी ये वीडियो खाली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है तो दूर रहिए इस स्टॉक से, मेरे हिसाब से इसमें बाइंग मत कीजिए। देन ये वीडियो खाली एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।